इसरो ने चंद्रयान 3 को लेकर एक बड़ी जानकारी साझा की है। इसरो ने ट्वीट करके कहा है कि 27 अगस्त को रोवर प्रज्ञान के रास्ते में 4 मीटर व्यास का एक क्रेटर, कह सकते हैं एक गड्ढा आ गया जो कि रोवर से 3 मीटर आगे था। इसकी तस्वीरें इसरो ने साझा भी की है, साथ ही जानकारी दी है कि इसके बाद रोवर को अपना रास्ता बदलने की कमांड दी गई। रोवर सुरक्षित तरीके से अपने नए रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। और इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी पल्लव बागला। भारत का चंद्रयान 3 मिशन अपना काम चांद की कक्षा में अच्छे से कर रहा है। प्रोपल्शन मॉड्यूल ऑर्बिटर अपना काम कर रहे हैं, प्रज्ञान रोवर, विक्रम लैंडर वो भी काम कर रहे हैं। आज इसरो ने खबर दी कि प्रज्ञान रोवर को जब चांद की सतह पे चलाया जा रहा था तो उसके सामने एक थोड़ा प्रज्ञान रोवर से बड़ा क्रेटर उनके सामने आया और उसके बाद प्रज्ञान रोवर को वापस रास्ते पे लाया गया और वो क्रेटर के अंदर नहीं गया। देखिये, यही दर्शाता है कि प्रज्ञान रोवर का जो काम है वो जारी है और उससे जो विज्ञान करना है इसरो को वो भी अच्छी तरह से कर रहा है। और जो चांद की सतह है उसपे क्रेटर्स भी हैं, उसपे बोल्डर भी हैं और उसकी हमने अच्छे से मैपिंग भी कर रखी है। तो ये जो क्रेटर आया ये कोई घबराने वाली बात नहीं है। चांद की सतह पे ऐसे क्रेटर हैं और इसको अगर बचा के वापस ले आए हैं प्रज्ञान रोवर को कि वो क्रेटर में नहीं गया, तो ये तो एक अच्छी बात है कि प्रज्ञान रोवर भी सेफ है। और ये भी दर्शाता है कि मिशन कंट्रोल सेंटर बेंगलुरु में जो वैज्ञानिक है और साइंटिस्ट हैं वो भी अलर्ट हैं, क्योंकि ये जो रोवर है ये 26 किलो का है, 6 पहिए हैं इसमें, बहुत बड़ा नहीं है, एक छोटी सी बच्चों की गाड़ी जैसा रोवर है ये, तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़े किसी क्रेटर को पार कर लेगा। तो इसको अगर कोई क्रेटर दिखा इसरो के वैज्ञानिकों को जो इसको नहीं पार कर सकता था तो उसको रास्ते से वापस ले आए, तो ये तो बहुत ही एक सही चीज दिख रही है कि मिशन के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो एक एक करके पूरे किए जा रहे हैं, जो वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो अपना काम कर रहे हैं। कल चंद्रयान 3 के एक टेम्परेचर प्रोफाइल निकल के आई थी, वो भी दर्शाती है कि जो टेम्परेचर थर्मोसेंसर है वो भी काम कर रहा है। तो अगर कहां तक कहा जाए तो चंद्रयान 3 का मिशन अभी कामयाबी की ओर बढ़ रहा है। 14 दिन का समय है इसरो के पास, जिसमें कि सूरज है उस जगह पे शिव शक्ति पॉइंट पे और उसके चारों बगल वो प्रज्ञान रोवर को शिव शक्ति के पास चला सकते हैं और उसके बाद 14 दिन बाद उसको सुधा दिया जाएगा और ऐसी उम्मीद रखनी चाहिए कि उसके बाद वो जागे। अगर नहीं जागता तो विज्ञान तो 14 दिन में हो ही जाएगा। तो ये जो एक क्रेटर आया और उससे रोवर को वापस ले आए ये तो दर्शाता है कि सब कुछ मोर और लेस विक्रम लैंडर प्रज्ञान रोवर पे ठीक है और विज्ञान का काम प्रज्ञान रोवर का चल रहा है।